इसमें क्या डाले व्हाइट सॉस कैसे बनाए और मैदा भी है। शाम के टाइम में मैं ये पास्ता बना रही थी बिकॉज सबका मन था पास्ता खाने का और वो भी वाइट सॉस पास्ता ही मैं बना रही थी। रेड सॉस पास्ता इतना पसंद नहीं आता किसी को घर में और वाइट सॉस पास्ता अच्छा लगता है सबको और या फिर नॉर्मल मैक्रोनी पसंद करते हैं। तो ये रात मतलब बहुत रात हो गया था शाम नहीं आपका ये 9 बज रहा था करीब तो अचानक सबका मन किया तो मैं बोली यही तब मैं बना देती हूँ सबको यही खा लेगा तब। और रोटी भी बना था बट रोटी खाने का किसी को मन नहीं था और स्पेशली इनको तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है इस टाइप का कुछ कुछ मन करते हैं इनको रात के टाइम में खाने का। तो मैं यहाँ पे 3 प्लेट रेडी कर ली हूँ पापा के लिए इनके लिए और बेटी के लिए। बेटी बोली कि मामा कम ही दीजिएगा मेरे को कम ही खाऊँगी मैं। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत मामा ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी है मॉर्निंग का टाइम और ये चिमनी का बहुत आवाज़ होता है इसलिए मैं ऑफ कर दी चिमनी को। और मेरा ब्रेकफास्ट सब बन चुका है और क्या ब्रेकफास्ट में बनाई हूँ मैं दिखाती हूँ। और मैं आप लोग को नहीं दिखाई बनाती हूँ बिकॉज आप लोग ज़्यादा फिर वो बहुत बोर हो जाते हैं ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए नहीं दिखाई। अगर आप लोग को इंटरेस्टेड है कि कैसे मैं बनाई छोला भटूरा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर कमेंट कीजिए तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और क्या क्या बनाई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए वो मैं सब पहले दिखाती हूँ आप लोग को। बनाई है छोला, पापा का ब्रेकफास्ट हो चुका है और ये है राइस। राइस एडवांस बन गया बिकॉज किसी को खाना हुआ तो खा सकते हैं। और ये आलू का मैं सूखा सब्जी बनाई हूँ देखिए। और ये ऑनियन कट करके रखी हूँ और दिखाती हूँ मैं। ये है मिर्ची फ्राई ये है धनिया पत्ता और टमाटर का चटनी और छोला सॉरी ये है बटोड़ा का मैदा रेडी है और कढ़ाई भी बैठा हुआ है जिसको जैसे खाना है वो फ्राई करके लेंगे। अब मैं यहाँ पे प्लेट लगा रही हूँ सबको सर्व करने के लिए। तो मैं सबसे पहले प्लेट रेडी कर लेती हूँ छोला वगैरह सब कुछ निकाल के उसके बाद मैं भटूरा फ्राई करूँगी। पहले भटूरा फ्राई करूँगी तो सॉरी पहले भटूरा निकाल दूँगी उसका सब प्लेट रेडी करूँगी तो फिर ठंडा हो जाएगा भटूरा इससे मैं पहले सोची प्लेट पहले रेडी कर देती हूँ। तो देखिए प्लेट मैं कैसे रेडी कर रही हूँ छोला मिर्ची प्याज आलू का सब्जी चटनी सब दूँगी मैं इसमें और 3 प्लेट रेडी की हूँ बिकॉज 3 जन को दूँगी मैं। और देखिए ये आलू का सब्जी और बहुत टेस्ट लगता है छोला के साथ मतलब बहुत जने की सिर्फ छोला और भटूरा ही बनाते हैं बट मैं आलू की सब्जी ज़रूर बनाती हूँ मैं मतलब आलू के बिना तो कोई भी सब्जी फीका ही है। आलू तो होना ही चाहिए कोई भी सब्जी स्पेशली मुझे तो आलू चाहिए मुझे आलू बहुत पसंद है आलू के बिना तो हम खाना खा ही नहीं सकते और इनको भी आलू बहुत पसंद है। सब्जी कोई भी सब्जी बनाऊंगी तो ये बोलेंगे उसमें एक आलू तुम निकाल के मेरे को देना और छोला में कभी कभी आलू सब्जी नहीं बनाती हूँ तो ये बोलते तुम छोला में आलू डाल दिया करो। तो देखिए यहाँ पे भटूरा मैं रेडी मतलब सॉरी फ्राई करने जा रही हूँ और बहुत प्रॉब्लम होता है भटूरा फ्राई करने में बहुत ज़्यादा बेलते टाइम तो बेलो फिर हाथ में उठाओ तो एकदम छोटा सा वापस हो जाता है सिकुड़ के। तो देखिए मेरा भटूरा कैसा बन रहा है पहले तो एक्सपर्ट नहीं थी भटूरा बनाने में बट धीरे धीरे बनाते बनाते एक्सपर्ट हो रही हूँ। अभी भी नहीं बोलूँगी कि मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ भटूरा में
इनका भी बहुत दिन से मन था कि खाने का छोला भटूरा, और पहले तो मैं हमेशा ही बनाती थी, बीच में भी छूट गया था बनाना, और मैं बनाती हूँ बट मैं नहीं खा पाती हूँ बिकॉज मन भर जाता है, एकदम पेट भर जाता है बनाते बनाते। ये देखिए इतने अच्छे से नहीं फूल पाया है, शायद तेल उतना गर्म नहीं हुआ है जितना गर्म होना चाहिए, और कढ़ाई भी भटूरा के लिए अलग कढ़ाई होता है, ये एकदम डीप है, डीप कढ़ाई में भटूरा उतना अच्छा नहीं बन पाता है। फिर भी ये इनको कैसा लगता है खा के ये बताएंगे मुझे, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा टेस्ट हुआ है छोला भटूरा का। तो एक फ्राई कर ली, अभी सेकेंड वाला मैं फ्राई कर रही हूँ, और प्लेट तो लगा चुकी हूँ देने के लिए, तीन थाली है तो कम से कम एक एक कटोरा तो चाहिए तीनों थाली में। ये थोड़ा सा फूला और ऑयल भी शायद कम है, ऑयल शायद और रहता तो और अच्छा फूलता भटूरा। वहाँ पे मस्ती मजाक चल रहा है, कुछ कुछ चीज़ पसंद वाला है जो हम इनको चाहिए तो बेटी छीन रही है, फिर बेटा छीन रहा है उसको चॉकलेट चाहिए, इसे मजाक मस्ती चल रहे हैं यहाँ पे। ये कौन लाया है रे साहब, मारपीट हो रहा है। और सबका ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट होने के बाद तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये मतलब मेरे मामा जी का बेटा है जो अब बैठे हैं, अभी से इनको शायद आप लोग नहीं देखे होंगे पहले। अब देखिए कैसे अटैक हो रहा है चाचू को नहीं लगता कुछ नहीं, बस हम लोग मस्ती कर रहे हैं और कुछ नहीं है ये। अब हम रेडी हो गए, आज संडे है, संडे को तो पता ही आप लोग बाहर जाते हैं हम लोग, तो संडे को आजकल शाम 6 बज गया है, शाम को 6 बजे हम लोग निकल रहे हैं। सबसे पहले तो बेटी को कुछ खाने पीने का मन है तो बोल रही थी कि मम्मा चलेंगे, तो उसको बस पास से कुछ खिला पिला के ला देंगे, उसके बाद हम लोग कहीं दूर जा कर घूम के आ जाएंगे। और एक बाइक पे पॉसिबल नहीं हो पाता है तीन जन दूर जाना, क्योंकि बेटी भी बड़ी हो गई है। और ये आप लोग देखते हैं मैं लिपस्टिक नहीं यूज़ करती हूँ, हमेशा डिब्बा में लगाती हूँ, और बेटी कुछ बोल रही है तो उसको मैं वही मना कर रही हूँ कि नहीं ऐसे नहीं वैसे करो। और देखिए इनसे भी कुछ बात हो रहा है, ये तो मतलब रेडियो के बैठे हुए पहले से ही। अब बेटी को देखिए कहाँ खड़ी होकर सूट कर रही है, वो खुद ही सूट कर रही थी, मैं उसको बोली भी नहीं, खुद ही सूट करने लगी, कभी कभी खुद उसको इंटरेस्ट आता है सूट करने में। और मैं जब निकलना रहता है बाहर तभी मैं शैम्पू करती हूँ, सुबह फ्रेश हो जाती हूँ नहा धोवा लेती हूँ बट शैम्पू नहीं करती हूँ, बिकॉज जब निकलना होता तभी मुझे अच्छा लगता है। बेटी को लेके जा रहे हैं कुछ खिलाने पिलाने, बस खिला पिला के घर में ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग घूमने कहीं निकलेंगे, उसका बहुत मन था कहीं जाने का, तो एक बाइक का पॉसिबल नहीं है तीन दिन बैठना, इसलिए पास से घुमा के लेके आ रहे हैं इसको। संडे है इसलिए बाइक नहीं निकालते हैं ना, तो बाइक निकल जाता है, तो अभी ये बाइक निकाले और पास में जाना है तो मैं हेलमेट अभी नहीं पहनूंगी, जब दूर जाना हो तो हेलमेट पहनूंगी। और देखिए आप लोग सोच ही सकते हैं कि मैं कहाँ बैठूंगी अब पीपल लोडिंग, इसलिए कहीं दूर नहीं जाना, पास में ना चलो चले जाएंगे। बॉम्बे टी कटिंग, यहाँ पे चाय बहुत ही अच्छा मिलता है, और स्पेशली हम लोग के लिए बिकॉज हम लोग विदाउट शुगर चाय पीते हैं, तो यहाँ पे जैगरी टी है, बहुत टेस्टी मतलब बहुत अच्छा। पापा, ये टूटा तो नहीं है ना? तो गिरा दिया, गिरा दिया। मिल गया हम लोग का टी, ये है जैगरी टी, कलर भी बहुत डार्क लग रहा होगा आप लोग को नॉर्मल टी के कंपेयर में, और मेरे में बहुत ज़्यादा था तो मैं बोले ढाल दूँ क्या, तो बोले ठीक है दे दो,
और मेरी बेटी को ओरियो शेक पीना था, तो बेटी का आ गया ये ओरियो शेक। बेटी को खाना था ब्रेड पकौड़ा, बट कुछ रीज़न से ब्रेड पकौड़ा नहीं बन पाएगा, तो बड़ा पाव ही ऑर्डर दे दिए। उसको ब्रेड टाइप का आइटम वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो ये आ गया मेरी बेटी का बड़ा पाव। और हम लोग तो ऑलरेडी इतना खाए हुए हैं घर पे, ड्रॉप कर दिए, उसके बाद अपन वाले कर रहे हैं। एक पाई के तीन जन जाना पॉसिबल नहीं होता, लेते हैं लेके नहीं जाते, और बड़ी हो गई है ना थोड़ा और प्रॉब्लम होता है। हाँ बेटा बाय। और वेदर आप लोग देख सकते हैं कि कैसा वेदर हुआ है, कब बारिश हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो ये बोले कि चलो पास में कहीं चलते, दूर नहीं जाएंगे, फटाफट कुछ खा पी के आ जाएंगे जल्दी से घर, तो पास में जाके तुरंत आ जाएंगे। तो सागर में जा रहे हैं, डोसा वगैरह कुछ कुछ खा लेंगे हम लोग, बिकॉज़ वहाँ का डोसा बहुत टेस्टी होता है। अब आ गए हम लोग रेस्टोरेंट में और डोसा भी ऑर्डर कर दिए, डोसा और नूडल्स, तो दोनों आ गया। बस खा पी के अब तुरंत हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। अब हम लोग निकल रहे हैं। हेलमेट देखिए मेरे हाथ में पकड़ा दिए हेलमेट, ये दो दो हेलमेट मेरे हाथ में ही है। अभी तक तो वेदर ठीक है, बारिश नहीं हो रहा है, कब हो जाए कोई ठीक नहीं है। अब हम लोग घर पहुँचे, घर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगे, मैं बोल रही थी ना बारिश हो सकता है। तो घर पहुँचे, तो घर पहुँचने वाले ये बोल रहे चाय बनाओ, तो चाय यहाँ पे मैं बना ली हूँ। और वो कटहल होता है ना जैक फ्रूट, उसका सीड्स होता है, उसको छील के फ्राई किया हुआ है नमक डाल के, तो बहुत टेस्टी लगता है वो खाने में। तो चाय के साथ यही खा रहे हैं हम लोग बैठ बैठ। और आप लोग भी सोच रहे होंगे इतना खा पी के बाहर से आए फिर वापस चाय के साथ लेके बैठ गए हम लोग। वो लेके बैठने का रीज़न था बिकॉज वो पहले से ही फ्राई हो चुका था दोपहर के टाइम में, और मैं भूल गई थी इसको देना, तो मैं सोची बचा हुआ है तो चाय के साथ खा लेते हैं, और लाइट ही होता हैवी तो है नहीं। अब चाय वगैरह सब कुछ पीना हो गया हम लोग का, और बाहर से भी चाय पिए, कितना भी बाहर पियो घर में आके एक बार चाय नहीं पीते तो मन मानता नहीं है हम लोग का, हम लोग का हैबिट हो गया है चाय पीने का। सो गाइज मैं ब्लॉग में एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।